पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से भीड़ तंत्र द्वारा एक मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देखने को मिली है और जो कि नए शासन आने के बाद कुछ और तेज हो गई, इस पर चर्चा करने के लिए और इसके लिए अलग से कानून बनाने का जो प्रयास किया गया है उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। अभी मैं तो स्वयं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन सलमान भाई से मैं पूछा था कि सीआरपीसी में क्या लिंचिंग या मॉब लिंचिंग का कहीं परिभाषित किया गया कि नहीं, कि इधर नहीं डेफिनेशन ऑफ मॉब लिंचिंग और लिंचिंग इन द सीआरपीसी। तो जब आज के कानून की व्यवस्था के कानून में इसे परिभाषित नहीं किया गया है तो इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज राज्यसभा में सहयोग से पहला प्रश्न इसी पर था और केंद्र सरकार ने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। मेरा ये निश्चित मत है कि आज जो ये हालात बने हैं वो पिछले कई दशकों से एक सुनियोजित ढंग से नफरत फैलाने की, नफरत और नफरत से हिंसा फैलाने की प्रक्रिया का एक फाइनल उसका रिजल्ट है। यदि आप देखेंगे कि संघ और उनके 150 से अनेक ज्यादा जो उनके संगठन हैं, वो अपने अपने तरीके से समाज में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर से ही शुरू हो जाता है बच्चों के दिमाग में नफरत का बीज बोना और धीरे धीरे उसको आगे ले जाया गया और फेक न्यूज और आजकल सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद तो इसको 5 गुना ज्यादा हो गया है। ये प्रक्रिया पहले थी थ्रू विस्परिंग कैंपेन, थ्री टू वर्ड ऑफ माउथ था, अब सोशल मीडिया पर तो विद अ क्लिक दे कैन सेंड द मैसेज ऑफ हेट एंड हेट्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आज इस हालात में जो ये प्रयास किया गया है मासुका का, मानव सुरक्षा अधिनियम का, कानून का, ये एक अच्छा प्रयास है और इसके लिए मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो नफरत फैलाते हैं चाहे अपने भाषण से, अपनी लेखनी से या सोशल मीडिया पर, उनको भी उसमें उतनी ही सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए जो इसमें रखा जाना है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया सारी ऑल पार्टी मीटिंग में कि इस पर सख्ती करना चाहिए, लेकिन श्रीमान आप का क्या रोल रहा है एक संघ के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री पहुंचने तक, आपके भाषण और आपके वक्तव्यों का क्या उसका प्रक्रिया रही है, क्या उस पर भी आपने कभी चिंतन किया है? ये पिंक रेवोल्यूशन का जो भाषण उनका 2014 के पहले का था, किस पर इंगित करता था, किसने इसे मुद्दा बनाया? और वहीं आज भी और पहले से भी ये बड़े सावधानी से संघ काम करता है, ये 2 मुख से बात करते हैं, एक भड़काने वाला भाषण देता है तो दूसरा पुचकारने वाला भाषण देता है, ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है। तो ये आज ये कह रहे हैं कि नहीं 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 बहुत खराब काम हो रहा है और प्रवीण तोगड़िया जी कह रहे हैं कि गौ रक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे गौ हत्या करने वालों को ठीक किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये मिला जुला खेल है, सबको इस बात को समझ लेना चाहिए और मेरा तो ये कहना है कि अगर इस मॉब लिंचिंग की हालात इस देश में बने हैं उसके लिए संघ की विचारधारा उसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार है। और जिस प्रकार से कम्युनल हिंदू उसमें से कम्युनल मुस्लिम भी जवाबदार है। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि कम्युनलिज्म जो है वो हर धर्म के अंदर है और
रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ही आतंकवाद को जन्म देता है, हिंसा को जन्म देता है, क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म जो है वो नफरत फैलाता है, जो नफरत फैलाता है वो धीरे धीरे नफरत का बीज बढ़ते बढ़ते हिंसा में और आतंकवाद में परिवर्तित होता है। इसलिए जो यहां किया गया है प्रयास मासूका बनाने का, उसका मैं समर्थन करता हूं, और उसमें इस बात का प्रावधान भी जरूर किया जाए कि उस समाज में अशांति और नफरत फैलाने की जो प्रावधान है कानून के, चाहे सीआरपीसी में कहिए या मासूका में डालिए, उस पर सख्ती से इस पर विचार होना चाहिए कि जो इस प्रकार का प्रचार फेक न्यूज के माध्यम से या भावनाएं भड़काने करते हैं उसको और सीरियस ऑफेंस बनाना चाहिए।